कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के झूठ पर करार पलटवार करते हुए भारत ने उसके एक राजनयिक को 5 दिन के भीतर नई दिल्ली छोड़ने का फरमान सुना दिया। यही नहीं, भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाकर जमकर फटकार भी लगाई। इसका नजारा उस वक्त दिखा भी जब कनाडा के हाई कमिश्नर विदेश मंत्रालय से बाहर निकले। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। कनाडा ने इसी आरोप में एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने का आदेश दिया था। कनाडा के सफेद झूठ पर भारत ने भी करारा पलटवार किया। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को विदेश मंत्रालय में बुलाकर जमकर फटकार लगाई। समझा जाता है कि भारत ने कनाडा के सुरुख पर उसके उच्चायुक्त मैके को जमकर सुनाया, कार का दरवाजा पटक दिया। जब विदेश मंत्रालय से कनाडा के उच्चायुक्त निकल रहे थे तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन मैके सवालों का बिना कोई जवाब दिए ही आगे बढ़ते रहे। यही नहीं, उन्होंने गुस्से में अपनी कार का दरवाजा भी पटक दिया। उनका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो बेहद लाल पीले थे। भारत के पलटवार से सख्ते में कनाडा। दरअसल कनाडा के पीएम ट्रूडो की खालिस्तानी आतंकियों से हमदर्दी के कारण भारत पहले से ही उन पर खफा था। दूसरी तरफ भारतीय राजनयिक को निकालने की उसकी हरकत ने भारत को बेहद नाराज कर दिया। इसके बाद भारत ने उचित कार्रवाई करते हुए कनाडा के उच्चायुक्त को सुना दिया। गौरतलब है कि कनाडा में खालिस्तान की अलगाववादी विचारधारा को समर्थन मिलने का इतिहास करीब 40 साल पुराना है। जब पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था तो कई सिखों ने राजनीतिक उत्पीड़न का हवाला देते हुए कनाडा में शरणार्थी का दर्जा मांगा। इसे अचानक कैसे देश में खालिस्तानियों की आमद हो गई जिसने उनके अलगाववादी आंदोलन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित करने की घोषणा की। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम भारत के एक प्रमुख राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं, लेकिन हम इस मामले की तह तक जाएंगे। अगर ये सब सच साबित हुआ तो ये हमारी संप्रभुता और एक दूसरे का सम्मान करने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। भारत ने कनाडा सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप बेतुके और मोटिवेटेड है। भारत ने प्रतिक्रिया में मंगलवार को कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित करने की सूचना दी। भारत ने कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए 5 दिनों का वक्त दिया है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित किया था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। जून 2023 में कनाडा के सूरे शहर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में कनाडाई पुलिस ने कहा कि निज्जर को 2 हमलावरों ने गोली मारी थी।